क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। हेलो दोस्तों, आप भी अगर युवराज सिंह को तूफानी बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए। दोस्तों, इंडिया बनाम न्यूजीलैंड का दूसरा T20 मैच 8 फरवरी से शुरू होने वाला है। आपको बता दूं, पहले T20 मैच में टीम इंडिया को 80 रनों से करारी शिकस्त मिली थी। इसी के लिए टीम इंडिया के फैंस टीम इंडिया के प्रदर्शन से काफ़ी नाराज है और काफ़ी सारे फैंस तो ये चाह रहे हैं कि नंबर 4 पर बल्लेबाजी की समस्या जल्द ही सुलझाई जाए, जो कि युवराज सिंह पहले नंबर 4 पर आकर तूफानी बल्लेबाजी करते थे टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर में। लेकिन अब फिलहाल काफ़ी समय से खराब फॉर्म के चलते युवराज सिंह फिलहाल टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। ऐसे में टीम इंडिया की बॉलिंग की बात करें तो टीम इंडिया में दो बड़े बदलाव होना लगभग तय है। खलील अहमद की जगह आ सकते हैं टीम इंडिया के नए पेस बॉलर सिद्धार्थ कौल, जो कि उनका डेब्यूट मैच होगा। और अगर गेंदबाजों की बात करें तो कुलदीप यादव की कृणाल पांड्या की जगह वापसी हो सकती है। ऐसे में अगर सलामी बल्लेबाज तो सेम ही होंगे शिखर धवन और रोहित शर्मा। मिडिल ऑर्डर की अगर हम बात करें तो नंबर 4 पर शायद दिनेश कार्तिक आ सकते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। लेकिन काफ़ी सारे फैंस युवराज सिंह की वापसी को लेकर नाखुश हैं, क्योंकि BCCI उनकी वापसी पर कुछ भी नहीं कह रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या युवराज सिंह को नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजना चाहिए या नहीं? इसको जवाब मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और अब आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक दिल से लाइक करें और ऐसी ही क्रिकेट की खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।